सायरम बच्चों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के इस हिंदी कालांश में एक बार फिर से दिवाली की छुट्टियों के बाद पुनः स्वागत है। बच्चों, आज जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस हिंदी कालांश में, वह है हमारा लकड़हारा और वन। आप सबको पता है कि यह पाठ बहुत ही मजेदार है। इस पाठ को मैंने 3 भाग में बांटा है, तो हम ये पूरा पाठ जो है वह हम 3 वीडियो में पढ़ेंगे और 3 कालांश में पढ़ेंगे, और हर एक कालांश में हम लोग बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी रखे हैं इस पर, तो जिससे हमारा जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमें कितना समझ में आ रहा है उसकी भी हमें एक छोटी छोटी जानकारी मिलती जाएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का जो ये हमारा पाठ है, लकड़हारा और वन। इसके जो लेखक है बच्चों, वह है अरविंद भटनागर जी। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। तो बच्चों, आप सभी को समझा, जो अरविंद भटनागर जी है वे हमेशा ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लकड़हारा और वन के माध्यम से उसके इसी प्रेम को, उनके उस इसी प्रेम को हम इस पाठ में, इस वीडियो में, इस कालांश में देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। उससे पहले हम पहले गद्य संबंधी देख लेते हैं कि इस पाठ में उन्होंने हमें क्या बताया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी जो उम्दा किस्म की जो हमारे पास जानकारी है वह इस पाठ में हमें दी गई है लेखक के द्वारा, और हम इसको अच्छे से प्राप्त करेंगे और समझेंगे अपने जीवन में किस तरह से लाना है उस बात को भी। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं कि लकड़हारा और वन में जो कहानी है वह क्या है। मैंने जैसा आपको बताया है कि हम लोग इसे 3 भाग में पढ़ने वाले हैं, तो 3 कालांश में आपको यह पढ़ाया जाएगा। हर एक कालांश में बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी रहेंगे, तो उसे भी हम पढ़ते जाएंगे, और उसी तरह से हमें यह पाठ को समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में पात्र क्या है, पात्र कितने हैं। पात्र हैं बच्चों, एक लकड़हारा है, दूसरा है ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा है लकड़हारे की पत्नी, और चौथा एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, आप एकांकी बोला गया ना, एकांकी का अर्थ होता है कि यह एक नाटक के जैसा आपके सामने आएगा। ठीक है, पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अब आगे क्या होता है वह हम देखेंगे। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज जिस पेड़ को काटे इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी, मेरी कुल्हाड़ी, आप सबको समझ में आ रहा है ना, उसे कुल्हाड़ी गिर गई, तो वह अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि अरे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी अब क्या होगा, पानी में गिर गई, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। एक पिता के लिए यह बहुत ही बड़ी बात है बच्चों, कि किस तरह से वो अपना, अपने परिवार का जीवन यापन करता है। और अगर आप एक लकड़हारे की बात करते हो तो उसका जीवन यापन का जो माध्यम है वह कुल्हाड़ी है, जो पेड़ को काट कर वो अपने जीवन को चलाता है। तो यहाँ पर जैसे कुल्हाड़ी गिर जाती है उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, और कैसे पेड़ को काटूंगा, क्या बेचूंगा। तो इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति के वेश में धारण कर कर मंच पर आते हैं। मंच पर आना मतलब जो कहानी देख रहे हो ना, इसमें भगवान एक ग्रामीण, एक गांव के सीधे साधे आदमी का रूप लेकर लकड़हारे के सामने प्रकट होते हैं। ग्रामीण, ग्रामीण अर्थात कौन बच्चों, भगवान। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। सही बात है, जिसकी जीविका ही उसके द्वारा चलती थी, जब वही नहीं रहा तो उसके लिए तो पूरी दुनिया जो है वह कैसी हो गई बच्चों, थम सी गई है। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अब यहाँ से, यहाँ पर लकड़हारा जो है वह जो ग्रामीण रूपी भगवान है उनसे मदद की याचना करने लगता है। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ।
यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आ। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर से कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो बच्चों, आज के हम इस हिंदी कालांश में यहीं तक पढ़ेंगे कि पहले जो है ग्रामीण रूपी जो भगवान है वह लकड़हारे को पहले चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं और फिर उसे जो सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। लेकिन लकड़हारा कितना ईमानदार है, उसके आगे लकड़हारे ने क्या किया, फिर भगवान ने उसके साथ में क्या किया, यह सब हम अपने अगले हिंदी के कालांश में देखेंगे। अब जितना भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, इस आज के इस हिंदी कालांश में, उसमें क्या कठिन शब्द है, कितने प्रश्न उत्तर है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो शब्दार्थ। पहला देखो उपकार। उपकार का क्या अर्थ होता है बच्चों? नेकी, भलाई, भाग्यवान, किस्मत वाला, आश्चर्य, अचंभा, विस्मय। ये हमें सभी कठिन शब्द जो पैराग्राफ हम लोगों ने देखा है, जितना पढ़ा है, उसमें मिला हुआ है। पहला प्रश्न है बच्चों, ये कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं थी? आपको याद है, पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना नहीं आता, लकड़हारा क्या काटकर बेचेगा और आज उसके बच्चे क्या खाएंगे, ये सारे प्रश्न उसके जो दिमाग में चल रहे थे। दूसरा जो प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम कौन से थे? वो दो धातु अगर आपको याद होगा, पहला धातु है चांदी और दूसरा धातु है सोना। तो ये हमारा है दूसरा उत्तर। तीसरा, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। पहला, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गहरे पानी में गिर गई। अगर आपको पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा अगर वो याद होगा तो हमारा कुछ इस तरह से है। पहला जो वाक्य है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई। तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम इसे क्रमानुसार अरेंज कर सकते हैं अगर हमें स्टोरी याद रहेगी अच्छे से। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं कि और हमें क्या मिलता है इस जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें। देखिए, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कौन कौन से विशेषण है? पहला गहरा, भाग्यवान, दुखी, मेरी। यह सारे हमारे जो है विशेषण के उदाहरण है। गहरा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। भाग्यवान, अगर एक काम करो, ये आपने विशेषण पढ़ा है ना, इसके पहले भी वीडियो गया हुआ है, तो आप ये सब चीजें अभी देखो, यहाँ पे गहरा, भाग्यवान, दुखी, ये सारे ही आपके गुणवाचक है। और मेरी क्या हो जाएगा? सार्वनामिक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको आसानी से विशेषण समझ में आएगा। फिर है आपको अगला क्वेश्चन, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अभी आपको सबको आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्यय क्या होता है और प्रयुक्त प्रत्यय है और आपको क्या करना है। अच्छा, सिर्फ प्रत्यय पूछा है, सॉरी उपसर्ग नहीं है, खाली प्रत्यय पूछा है आपको। तो आपको अगर याद होगा ग्रामर जो हमने पढ़ा था व्याकरण का, प्रत्यय क्या होता है, किस तरह से शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से वह अलग किसी भी शब्द को हम नया शब्द बना सकते हैं, तो उस तरह से हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दो दिया है नंबर, मतलब हमने दो शब्द ढूंढने हैं, तो कौन से वो दो शब्द है? पहला है चिंतित, मूल शब्द क्या है? चिंता, और इसमें क्या लगा है प्रत्यय? इत, छोटी है ना ये, इसलिए इत। और भाग्यवान, भाग्य जमा वान, वान क्या है बच्चों? प्रत्यय है। भाग्य जो है वो मूल शब्द है, मेन शब्द है वो, और ये प्रत्यय लगने के कारण नया शब्द क्या बना है? भाग्यवान। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ढूंढना है। अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। स्वमत अभिव्यक्ति, हमेशा आपको प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है स्वमत अभिव्यक्ति। जैसे कोई भी बात बोली जाएगी उसमें आपके विचार क्या है उसके बारे में आप बताइए। तो पहला हमारा जो है वो क्या है? दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न आपका है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच में आनंद मिलता है, इस विषय पर आपको अपने बारे अपने विचारों को बताना है। तो इसमें आपको बहुत कुछ लिख सकते हो आप अपने मन से, लेकिन सबका अर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सामने दिया हम देख सकते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना।
अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है, उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने की उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी से भी कहीं पर भी आ सकते हैं। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भूलकर लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ा आपको डिटेल में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है इसको उत्तर, लेकिन अगर आप परीक्षा में आपके अच्छे से आपके फ्रेम के हुए सेंटेंस 5 से 6 भी लिखते हैं तो भी आपको 2 अंक है वो पूरा मिलने की संभावना होती है, लेकिन आप कितना कर पाते हो, कितना पढ़ते हो, इसके ऊपर ही आपकी जो अंक आपको प्राप्त होंगे वह निर्भर करते हैं। तो यह था हमारा जो पहला भाग है लकड़हारा और वन का। फिर से हम अगले भाग में जो शेष भाग रहेगा बचा हुआ वह लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। साईं राम बच्चों।